हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड आफ्टरनून। दोस्तों, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर थर्ड, और चैप्टर नंबर थर्ड का नाम क्या है हमारे? चैप्टर थर्ड रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, यानी किसी एक साझेदार कि निवृत्ति हो जाए, यानी कि वो रिटायर हो जाए, या किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाए, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाए, तो उस केस में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं पार्टनरशिप के अंदर, वो हम सीख रहे थे। इसके अंदर हमने काफ़ी लेक्चर कर लिए, काफ़ी कुछ कर लिया। आज हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ करने वाले हैं इसके अंदर, और वो बहुत अच्छी है, एग्जाम के अंदर आती है, वो है पॉलिसीज के एडजस्टमेंट, है ना। तो इंश्योरेंस पॉलिसी, है ना, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ पार्टनर। अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी है अगर पार्टनर की, और कोई पार्टनर अगर रिटायर हो जाए या उसकी डेथ हो जाए, तो उसके एडजस्टमेंट क्या होंगे, उसके समायोजन क्या होंगे, वो सब हम इस लेक्चर के अंदर और आने वाले एक दो लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो एडजस्टमेंट बेसिकली दो तरीके के हो सकते हैं। देखो क्या होता है कि एक होगा एडजस्टमेंट ऑन रिटायरमेंट। अगर ओनली पार्टनर रिटायर हुआ है तो वहां पर उसके पॉलिसी जो उसने ले रखी है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी या सेपरेट लाइफ पॉलिसी या जो भी उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, उस वो अगर रिटायर होता है तो उसके एडजस्टमेंट अलग है, और अगर वो डेथ हो जाती है उस पार्टनर की तो उसके एडजस्टमेंट अलग है। जब भी पार्टनर रिटायर हो रहा है या डेथ हो रहा है तो काफ़ी सारे एडजस्टमेंट करते हैं हम, गुडविल का करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल के एडजस्टमेंट करते हैं, है ना, एसेट और लाइबिलिटी का रिवोल्यूशन करते हैं। लेकिन वहां पर हमें एक एडजस्टमेंट ऑन करना और करना होता है, वो होता है अगर उन्होंने अपनी लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी हो। तो अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पार्टनर्स की है, और अगर वो रिटायर हो रहा है कोई पार्टनर तो उसका एडजस्टमेंट अलग है, अगर उसकी डेथ हो रही है तो उसका एडजस्टमेंट अलग है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये है हमारा सेकंड पॉइंट। अभी हम करने वाले हैं रिटायरमेंट वाला, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर रिटायरमेंट वाला करेंगे, फिर हम आगे जो है डेथ वाला भी कर लेंगे। तो एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ पॉलिसी इन केस ऑफ रिटायरमेंट, ये हमारी हेडिंग रहेगी। एडजस्टमेंट ऑफ, ये हमारी हेडिंग रहेगी फर्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ पॉलिसी इन केस ऑफ रिटायरमेंट, इन केस ऑफ रिटायरमेंट। अगर रिटायर हो जाए कोई पार्टनर तो उस टाइम एडजस्टमेंट क्या करने होते हैं लाइफ पॉलिसी की, ठीक है। तो उसमें एडजस्टमेंट करने के लिए हमको दो चीजें होती है कि उस पॉलिसी को हम क्या करें। अगर उस पॉलिसी को अगर हम, ये दो तरीके होते हैं, एक तो अच्छा पॉलिसी जो होती है हमारी उसके ऊपर हमको क्या, जो भी हमारी पॉलिसी होती है, जो भी पार्टनर्स की पॉलिसी होती है, है ना, उन्होंने अगर कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो जो उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दे रखी है उसके ऊपर उनको पता है क्या पे करना पड़ता है। उसके ऊपर उनको हर महीने या क्वार्टरली या मंथली या ईयरली या हाफ ईयरली उनको प्रीमियम पे करना पड़ता है, किस्त चुकानी पड़ती है। आपको पता हो अगर अपने किसी घर में, आपने आपके घर में किसी ने अगर इंश्योरेंस करवा रखा है, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, तो उनको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। वो मंथली होता है, क्वार्टरली भी होता है, यानी कि तीन महीने में एक बार, हाफ ईयरली भी होता है और ईयरली भी होता है। तो वो प्रीमियम जो पे करते हैं ना, तो उस प्रीमियम को पार्टनर ने भी पे करा होगा क्योंकि यहाँ पर लाइफ पॉलिसी ले रखी है। तो उस प्रीमियम को हम क्या माने, एक तो होता है कि प्रीमियम ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो वो प्रीमियम है उस प्रीमियम को हम कैसे ट्रीट करें। तो एक पॉइंट तो होता है प्रीमियम जो है, है ना, प्रीमियम ट्रीटेड एज रेवेन्यू या ट्रेड एक्सपेंस, रेवेन्यू या ट्रेड एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस। और सेकंड होता है उस प्रीमियम को आप ट्रीट कर दो, प्रीमियम ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंस। हिंदी में बोलेंगे अगर, तो इसको बोलेंगे प्रीमियम
को व्यापारिक खर्चा माना जाए, व्यापारिक या फिर आयगत बोल सकते हैं, व्यापारिक खर्चा माना जाए, उसकी तरह ट्रेड किया जाए, या प्रीमियम को पूंजीगत खर्चा माना जाए, पूंजीगत खर्चा माना जाए। चलिए दोस्तों, इसको पूरा समझाने से पहले, इन दोनों के आगे बढ़ने से पहले, देखो आप अपन कहाँ हैं, अपन ऑन रिटायरमेंट कर रहे हैं। ऑन रिटायरमेंट के अंदर दो पॉइंट है ना, ये देखो, इन केस ऑफ रिटायरमेंट, एक तो है प्रीमियम जो पे करते हैं उसको रेवेन्यू या ट्रेड एक्सपेंस माने, या उसको कैपिटल यानी कि पूंजीगत खर्चा माने। ओके, ये हम कर लेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको पॉलिसी से रिलेटेड हैं, पहले मैं आपको वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ, उसके आगे बाद में हम और आगे करेंगे। तो देखिए, उसके अंदर जो फर्स्ट चीज है, दो तीन चीजें निकल के आती है, एक पॉइंट समझना आप। देखो, मान लेते हैं ये हमारा है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी और ये है मिस्टर सी। तीन पार्टनर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। इन्होंने क्या कर रखी है, एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी करा रखी है, यानी कि तीनों का प्रीमियम जाता है, मान लेते हैं 10,000 रुपये पर मंथ, पर एनम, प्रति वर्ष जो है 10,000 रुपये पॉलिसी का पे करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे करते हैं, और तीनों का एक साथ ही प्रीमियम जाता है, पर आदमी 10,000 रुपये नहीं है, ए बी सी तीनों का मिला के 10,000 रुपये प्रीमियम पे करते हैं, किसको, इंश्योरेंस कंपनी को, जिससे इन्होंने इंश्योरेंस का करा रखा है, मान लेते हैं एलआईसी से, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अपने इंडिया के अंदर एलआईसी, तो उससे एलआईसी से इन्होंने जो इंश्योरेंस करा रखा है वो 10,000 रुपीज प्रीमियम पे करते हैं। अब इस प्रीमियम को क्या माने, दो चीजें मान सकते हैं, या तो इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के करेंगे, ट्रेड एक्सपेंस मान के करेंगे, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट अलग होगा, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के करेंगे तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होगा। ओके, अब देखिए, इसके अलावा एक और कहानी यहां से स्टार्ट होती है, वो कहानी की स्टार्टिंग देखिए बहुत शानदार है, वो ये है, मान लेते हैं ये प्रीमियम पे करते हैं, इन्होंने इंश्योरेंस करा रखा है, और आपका यहां मिस्टर सी जो है वो हो रहा है रिटायर। अब ये डेथ नहीं हो रही है, मिस्टर सी रिटायर हो रहा है ना बेटा, डेथ नहीं हो रही, तो अब इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी अमाउंट थोड़ी देगी, पॉलिसी अमाउंट तो तभी मिलता है जब तीनों में से किसी की एक की डेथ हो जाए। अच्छा, तीनों में से किसी की डेथ नहीं हो रही है तो रिटायर हो रहा है, तो पॉलिसी अमाउंट तो मिलेगा नहीं, पॉलिसी अमाउंट मिलेगा नहीं तो सी बोलेगा कि नहीं, मेरे को तो मेरे जो हिस्सा है पॉलिसी के अंदर वो चाहिए। क्यों चाहिए सी को वो हिस्सा, इसलिए क्योंकि सी एक बार रिटायर हो गया उसके बाद में तो उसको कुछ मिलेगा नहीं, तो सी ने बोला मुझे तो हर हाल में चाहिए। तो एक ही नतीजा है, ए बी सी गए फर्म इंश्योरेंस कंपनी के पास और उसको बोला हमको पॉलिसी तुड़वानी है, अगर आज हम पॉलिसी तुड़वा देते हैं तो हमको कितने रुपए मिलेंगे। तो मान लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि तुम अगर आप पॉलिसी तुड़वा देते हो तो तुमको मिलेंगे 90,000 रुपये। अच्छा, और ये जो 90,000 रुपये मिलेंगे पॉलिसी तुड़वाने पे, जो पैसे मिलते हैं इसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू, क्योंकि इन्होंने अपनी पॉलिसी के क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, सरेंडर वैल्यू समर्पण मूल्य, इन्होंने अपनी पॉलिसी का क्या करा दिया बेटा, सरेंडर करा दिया, सरेंडर कर दी अपनी पॉलिसी, जाके तुड़वा दी, तो इनको 90,000 रुपये मिलेंगे। अब ये 90,000 रुपये का क्या करेंगे, आपस में तीनों बांट लेंगे, अगर मान लेते हैं ये आपस में तीनों बांट देते हैं 90,000 रुपये को, और इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो है ए बी सी तीनों का वो 1:1:1 है, तो इनको देखो कितने कितने रुपए आएंगे, 30,000 रुपये, इतनी तो कैलकुलेशन ईजी है, 30-30 हज़ार रुपये आ जाएंगे इनको, पॉलिसी टूट गई, अब ना तो प्रीमियम भरना है कुछ नहीं, खत्म। लेकिन पॉलिसी तुड़वाना बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्यों, क्योंकि जब हम पॉलिसी तुड़वाते हैं ना बीच में, तो हमने जितना पैसा भरा है, जितना हमने प्रीमियम भरा है, उससे बहुत कम पैसा ही हमें वापस मिलता है, इसलिए पॉलिसी तुड़वाना कभी सही नहीं होता। तो इस बार क्या हुआ, एक एग्जाम्पल और लीजिए, समझिए बहुत अच्छे से समझना, अभी जो मैंने अभी दूंगा ना ये वास्तविक स्थिति होती है, इस बार देखना क्या है, ये है ए, ये बी, ये सी, तीनों पार्टनर है, तीनों गए कंपनी के पास, इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के पास में गए। अच्छा, सी की डेथ, सी डेथ नहीं हुई बेटा, रिटायर हो रहा है, डेथ नहीं करेंगे अभी, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो रिटायर हो गया सी, सी रिटायर हो रहा है। ओके, अब ए बी सी ने और सी ने
गए पॉलिसी एलआईसी के पास में और उसको पूछा कि आज अगर हम पॉलिसी तुड़वाते हैं, हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तुड़वाते हैं, तो हमें कितने पैसे मिलेंगे। सिर्फ पूछा, पॉलिसी तुड़वाई नहीं, ओनली पता करके आ गए कि सरेंडर वैल्यू कितनी है। ओनली पता किया है समर्पण मूल्य क्या है। अगर हम समर्पित कर दें, अगर हम हमारी पॉलिसी का समर्पित कर दें, सरेंडर कर दें, तो हमें कितने रुपए मिलेंगे। एलआईसी ने बोल दिया भाई आपको 90,000 रुपए मिलेंगे। ए बी सी ने पॉलिसी तुड़वाई नहीं, पहले की तरह तुड़वाई नहीं, सरेंडर किया नहीं, चुपचाप घर आ गए, सी को लिया, उठाया और ऑफिस आ गए। ऑफिस आके बोला कि देख भाई सी, तेरा इसमें हिस्सा कितना होता है। अगर आज पॉलिसी तुड़वाते हैं ए और बी और सी, और 1:1:1 इनका प्रॉफिट एंड लॉस है, और सी को बोला तेरे को कितना हिस्सा मिलेगा, तो ए ने बोला मेरा 20, बी ने बोला मेरा 30, और सी ने कितना बोला मेरा भी 30। तो ए और बी ने बोला कि ऐसा करते हैं तेरे को 30,000 मिलेंगे ना, वो 30,000 हम दोनों लाके दे देते हैं। ए ने बोला 15,000 मैं ले आता हूँ, बी ने बोला 15,000 मैं ले आता हूँ, तेरे को 30,000 रुपये ले देके तू रवाना, हम पॉलिसी क्यों तुड़वाए, हम पॉलिसी आगे कंटिन्यू करेंगे। आया समझ में। तो ये चीजें हो सकती है। तो ऐसा ही वास्तविक स्थिति होती है रिटायरमेंट के ऊपर। जब रिटायरमेंट होता है तब ऐसा ही होता है। एक्चुअल में पॉलिसी तुड़वाते नहीं है, हाँ सरेंडर वैल्यू पता करते हैं, उसमें जो रिटायर पार्टनर हो रहा है उसका हिस्सा देके उसको रवाना कर देते हैं, है ना। और ये सही भी है। ओके अब देखिए, ओके अब इसमें हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। अब आपका अब आया यहां पर फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट जिसको आप बोल सकते हो, ये वाला। कौन सा वाला? ये देखो, ये वाला, ये पॉइंट, प्रीमियम ट्रीटेड एज रेवेन्यू या ट्रेड एक्सपेंस। इस केस में क्या होगा, प्रीमियम ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंस, यानी कि जब प्रीमियम को व्यापारिक खर्चा माना जाए, उस केस के अंदर हम अकाउंटिंग एडजस्टमेंट क्या करें। तो सबसे पहले इसके अंदर दो एंट्री होती है। फर्स्ट एंट्री इसके अंदर होगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इनकी जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी होगी, उसको हम डेबिट कर देंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट। और किस वैल्यू से, एसवी से। एसवी मतलब सरेंडर वैल्यू, समर्पण मूल्य, एसवी सरेंडर वैल्यू से। और इसको हम सारे पार्टनर में बांट देंगे, जैसा अभी हमने बांटा था, उससे सारे पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी, तभी हम सारे पार्टनर को क्रेडिट कर रहे हैं। तो यहां हो जाएगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। और फिर सेकंड एक एंट्री और होगी। अब क्या होगा, ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो डेबिट हुआ इसको हम कर देंगे वापस क्रेडिट, इसको खत्म कर देंगे, और डेबिट किसको कर देंगे, ऑल को नहीं, रिमेनिंग, जो रिमेनिंग पार्टनर बचे हुए, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। ओके, ये जो एंट्री होगी ये होगी ओल्ड रेशियो के अंदर, और ये जो एंट्री होगी ये न्यू रेशियो के अंदर। अब बोले सर ये एंट्रियां दो क्यों हो रही है, तो आइए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जब हम प्रीमियम को ट्रीट करें एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि ट्रेड एक्सपेंस, तो देखिए मान लेते हैं तीन पार्टनर है हमारे पास, ए बी सी, 1:1:1 इनका प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। और यहां पर सी हो रहा है रिटायर, ठीक है। और हमने एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी है, जेएलपी जॉइंट लाइफ पॉलिसी, और उसकी आज की सरेंडर वैल्यू मान लेते हैं 90,000 रुपये। ओके, अब हम न्यू रेशियो कैलकुलेट कर देते हैं। ए और बी का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 1:1, ये हो गया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, अब देखो मैंने क्या बोला था, 90,000 रुपये सरेंडर की नहीं है, लेकिन सरेंडर वैल्यू पता करके आ गए। अब देखते हैं इनको, सरेंडर वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सारे पार्टनर्स के अंदर, तो कर दो। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, और सारे पार्टनर में बटेगी, टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, और टू सी इज कैपिटल। कितना यहां आ जाएगा, 90,000, 30,000 ओल्ड रेशियो में, 30,000, 30,000। तो यही तो एंट्री करी है मैंने फर्स्ट, जो हम सरेंडर वैल्यू पता करके आए सारे पार्टनर को बांट दी। ओके, अब देखना अब एंट्री क्या होगी, ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है ना इसको हम क्रेडिट कर देंगे, टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट किसको करेंगे, देखो एंट्री के अंदर रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग कौन कौन बचे हुए पार्टनर, कौन कौन बच गए, ए और सी, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
और बी, सॉरी बी बच गया, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी तो गया, रिटायर हो गया। अच्छा कितने से, ये कितने से, 90 से, जितने से डेबिट उतने से ही क्रेडिट, जेएलपी तो जितने से डेबिट उतने से ही क्रेडिट। अच्छा हाँ, इनका देखना इसको क्या करेंगे, हम बांट देंगे कौन से रेशियो में, न्यू रेशियो में। तो 90,000 को न्यू रेशियो में बांट दो, 1/2, न्यू रेशियो 1:1 है ना, ये रहा देखो 1:1, तो ये कितना आ गया, 45,000, 45,000, 45,000, 45,000। अब देखना बेटा यहां पर ए को कितने दिए, 30,000 रुपीज दिए, मतलब उसकी कैपिटल बड़ी कितने से, 30 से, उसकी कैपिटल कम कितने से हो रही है, 45 से, तो ओवरऑल उसकी कैपिटल कितने से कम हुई, सिंपल है ना। देखो ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया मतलब उसकी कैपिटल बढ़ा दी 30 से, डेबिट किया मतलब उसकी कैपिटल कम कर दी 45 से, तो 30 से कम कैपिटल बढ़ाई, 45 से कम कर दी, तो कैपिटल कम कितनी हुई ओवरऑल, 15,000 से, किसकी, ए की। ऐसे कैसे, बी की देखो कैपिटल बढ़ाई कितने से, 30 से, कम कितने से करी, 45 से, तो इसकी ओवरऑल कम कितने से हुई, 15 से। ए की कैपिटल 15 से कम, बी की कैपिटल 15 से कम, तो टोटल इनकी कैपिटल कितनी कम हो गई, 30,000 रुपये, और 30,000 रुपये ये लेके आए और किसको दे दिए, सी को, बस ये एडजस्टमेंट है। ये जो एंट्री है इसका मतलब ये, एक बार इनकी कैपिटल बढ़ा दो, फिर ये इतना पैसा लेके आ जाए कि अपनी पॉलिसी भी उनकी बनी रहे, और ऊपर से जो पैसा लाएंगे वो किसको दे दें, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, कौन सा, प्रीमियम ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रीमियम ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम सेकंड पॉइंट समझते हैं, प्रीमियम ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रीमियम ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके एक सेकंड स्लाइड ले लेता हूं, आ रहा समझ में बेटा सबको, ओके वेरी वेरी गुड, आना भी चाहिए, नहीं आने की कोई वजह भी नहीं है। सॉरी, सेकंड पॉइंट है हमारा, फिर बी पॉइंट, प्रीमियम ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि प्रीमियम को जब व्यापारिक खर्चा आय पूंजीगत खर्चा माना जाए, जब प्रीमियम को कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं ना, तो पता है हम क्या करते हैं, उसको हम शो करते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट, और उसको हम शो कहाँ करते हैं, उसको हम शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर, उसको हम कहाँ शो करते हैं, ये लाइबिलिटी, ये एसेट्स, बैलेंस शीट में एसेट्स के अंदर शो करते हैं हम उसको, ये ध्यान रखना हमेशा, है ना। यानी कि यहाँ किस नाम से, जेएलपी नाम से, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, और वैल्यू कौन सी होती है, सरेंडर वैल्यू, एसेट बनाते हैं, एसेट बनाएंगे, और कोई पार्टनर हो रहा है अगर रिटायर, कोई पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर, तो रिटायर हो रहा है, तो ये एसेट है, एसेट का हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन, और रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम कहां दिखाएंगे, रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो उसको हम दिखाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। बस इसके अलावा एक एंट्री और कर देते हैं फिर हम, वो ये रही देखो, उसके अलावा एक एंट्री हम क्या कर देंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, यानी कि ये वाली सेकंड वाली एंट्री, ओनली सेकंड वाली, फर्स्ट वाली एंट्री नहीं करते, फर्स्ट की एंट्री की जगह हम क्या करते हैं, जो हमने एसेट दिखा रखी है उसका रिवेल्यूशन करते हैं, प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसको रिवेल्यूशन अकाउंट के अंदर दिखा देते हैं, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाता है। तो आज के लेक्चर के अंदर जो हमने किया वो किया आपके प्रीमियम को हम जो है, सॉरी रिटायरमेंट के केस में, रिटायरमेंट के केस में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और उसमें रिटायरमेंट के केस में क्या एडजस्टमेंट होता है उसको, और उसके अंदर दो थे उसको, एक तो प्रीमियम को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करें या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ। मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो जरूर करना, होमवर्क आपका है एग्जाम्पल नंबर 21 और 22 दोनों दे रखे आपकी बुक के अंदर, वो आप होमवर्क करके आना। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।